तो वेलकम बैक दोस्तों एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों रिसेंटली वीवो ने अपने वीवो S17 सीरीज को चाइना के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर तीन स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिसमें वीवो S17, S17 Pro और S70T स्मार्टफोन है। और इस सीरीज के दो स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन एज अ वीवो V29 और वीवो V29 Pro के नाम से। और आप सभी जानते हो कि इंडिया के अंदर जो वीवो की वी सीरीज है वो काफी ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे वीवो S17 Pro के बारे में, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये इंडिया में कब तक और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक वीडियो हम आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि पीछे से देखने में सिमिलर सा है जैसा कि वीवो V27 Pro के डिजाइन में देखने को मिलता है। वही रेक्टेंगुलर टाइप का बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल जिसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तीसरे कैमरा सेंसर को छोटा करके साइड में कर दिया गया है और उसकी जगह एक राउंड शेप की फ्लैश लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर जिसका साइड का फ्रेम है वो भी मेटालिक है, और फ्रंट में आपको पंच होल वाली एक कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी। तो डिजाइन के अंदर कुछ खास चेंजेस तो नहीं किया गया है, लेकिन स्मार्टफोन देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजुलेशन वाली एक E5 एमोलेड डिस्प्ले है। और ये 10 बिट का एमोलेड पैनल है, जिसके साथ मिल जाता है 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज कलर स्मार्टफोन रहेगा। चलिए और बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाता है फिर से वही मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 का पावरफुल 5G चिपसेट, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल का है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। एंड रैम स्टोरेज यहाँ पर आपको 8128 एंड 12 to 56 GB तक का रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। LPDDR5 की रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ फन टच OS 13 पर रन करेगा। और वैसे तो वीवो की वी सीरीज गेमिंग के लिए नहीं बनाई जाती है, लेकिन इस बार इसके अंदर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा, तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर बात रही इसके कैमरे की, तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें सोनी का IMX766V वाला सेंसर मिलने वाला है विद OIS के साथ। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है। और वैसे देखा जाए तो इनके कैमरे में काफी तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो यहाँ पर आप काफी तगड़ी लेवल की इमेज और वीडियोस निकाल पाओगे, तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और वहीं फ्रंट साइड में एक सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, वो भी OIS के साथ। और ऊपर से इसमें आपको फ्रंट में 12 फ्लैश लाइट भी मिल जाती है, तो इसके फ्रंट से भी आप काफी अच्छी खासी सेल्फीज निकाल पाओगे। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और उसको चार्ज करने के लिए 18W के फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, और इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, सिंगल स्पीकर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन जून के एंड या फिर जुलाई तक देखने को मिल सकता है, और जैसे इसकी कोई लॉन्च डेट कंफर्म होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों इसकी बेस वेरिएंट की चाइना प्राइस 35,000 रुपए रखी गई है, और इंडिया में इसकी प्राइस लगभग 40,000 के आसपास रहेगी। और वैसे आपकी क्या राय है ये स्मार्टफोन को लेकर कमेंट बताइएगा जरूर, और ये बताइएगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।